मेरा नाम है कुमारी मुन्नी मुन्नी नेगी और मेरी फैमिली में 7 सदस्य हैं। भाई 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। गांव की ना मतलब गांव ऐसे है, गांव में हर किसी का सुख दुख हर चीज़ दिखा जाता है। हर चीज़ देखो आप एकदम शुद्ध है, पानी शुद्ध, हवा शुद्ध, जो भी है। बाहर देखो गाड़ियों हर चीज, यहाँ जैसे भेड़ बकरी चलते वहाँ गाड़ी चलती। हर अनेक बीमारी से भी देवी देवता का वास नहीं होता वहाँ, पर यहाँ हर चीज मतलब संतुलन है। पौराणिक चीजों पे बहुत लगाव है, पौराणिक चीजों पे जैसे पहले जमाने के क्या करते थे क्या, ऐसी चीजों पे बहुत लगाव मुझे, अपने पुराना इतिहास जानने का बहुत है मुझे। इसी के साल मेरा 2 साल का गैप हुआ, घर का काम किया पूरा मतलब जो भी होता खेती बाड़ी से लेकर हर चीज़ किया, और मम्मी पापा को भी देखा घर में, भाई बहनों को भी देखा, और अपनी परिस्थिति के अनुसार फिर अब मेरा वो BA में मैंने एडमिशन लिया है। अब देखती हूँ पढ़ाई करने जा रही हूँ क्या क्या होता है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो हमारे बारे में बहुत सोचते दोनों बहनों के बारे में। कुछ लोग यहाँ कहते हैं शादी कर दो, पर पापा कहते नहीं मैं शादी नहीं, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगा। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर जो है लड़कियाँ जो है पीछे हो जाएगी, इसलिए जो है कि लड़कों के बराबर आने के लिए पढ़ाई जो है ज़रूरी है। कि पढ़ाई कोई नौकरी के पर्पज़ से नहीं, जो है कि शिक्षा के स्तर से जो है कि नौकरी मिले ना मिले उसे कोई मतलब नहीं, परंतु जो है कि शिक्षित होना ज़रूरी है। चलो तब तो मुन्नी इसलिए जो है कि उसे घर की भी चिंता रहती कि घर में भी काम ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ों को जो है करना ज़रूरी है। ऐसे नीचे घाट में रहते हैं, रूम ले रखा है, काम हो तो मतलब चली जाती हूँ नीचे, मतलब काम के हिसाब से लगी रहती हूँ ऊपर और नीचे, बस ऐसे ही यही लगे रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस। घर आके ना मैं जैसे घर के लिए हाँ मन इतना खुश होता है कि आज घर जा रही हूँ, वहाँ कहेंगे ना हाँ जाऊँगी कल परसों, बस ऐसी लगी रहती हूँ। लगता मेरा तो नहीं लगता उतना मन, ऐसी बस जो घर वालों की ज़बरदस्ती से तो एडमिशन ले लिया, फिर इच्छा भी थी ना मैं पढ़ूँगी पर हो गई। या मैं जाऊँगी या ये जाएगी।
शादी भी हो जाएगी तो इस गांव को छोड़ के लिए दूसरे गांव में जाना था। ससुराल में तो कुछ अलग ही करना पड़ता है। आज यहाँ घूमने के लिए आ रखे तो सास ससुर के साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई ये काम करना तो करना, वो हमने मतलब करना ही करना। कि मेरी फ्रेंड लोग कहते ना कि यार मुन्ने ऐसा तो नहीं होता, तो ससुराल में कुछ अलग ही होता है, यहाँ अलग ही। मैं वो कहती क्या अलग होता है कि हाँ जब तू ससुराल जाएगी तभी पता चलेगा। बोला मेरी साथी है एक, उसका सपना ये कि जो ऐसा पति मिले जो मुझे बाहर ले जाए, हैं उसका सपना ऐसा। भाई मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, बल नहीं बल वहाँ ऐसे बल अपना बल ऐसे खाओ बल ऐसे मतलब ऐसे जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा जैसे माता पिता ने किया। बल ये ऐसे अपनी जन्मभूमि को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं हम छोड़ ही नहीं सकते। बल्कि मैंने कहा मुझे बहुत लगाओ पौराणिक चीज़ों से, मुझे बहुत लगाओ, थोड़ा शिक्षित होने के नाते थोड़ा अलग अलग करना चाहती हूँ मम्मी से, थोड़ा ना एक गुना बढ़ के। पर मम्मी ने ये काम किया वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगता। क्योंकि अगर हम खेती बाड़ी नहीं करते तो हम खाते कैसे पीते कैसे, मतलब कुछ हम कर ही नहीं सकते। यहाँ वालों का कोई साधन ही है ही नहीं, खेती बाड़ी ना करो तो कुछ साधन नहीं है। चिंताकारी मतलब घर में भी बहुत चिंता होती है, और कल के दिन क्या होगा ऐसे मतलब चिंता होती रहती है। और पढ़ाई के लिए जा रखी हूँ तो खर्चा कहाँ से आएगा, मतलब अपनी घर से और बाहर के लोगों से भी मतलब बहुत चिंता रहती है। खाली वो जार खा मेरा मतलब जो शरीर में है ना वही, पर दिल तो यही है कि अपने गाँव में